डियर स्टूडेंट्स आज हमारा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ एम का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी सेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडवांस uh, वर्जन है वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ चुके हैं दे नो दैट के उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे सोर्सेज ऑफ़ फाइनेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बिजनेस वैल्यूएशन है ये तमाम टॉपिक्स अगेन दोबारा एग्जामिनेबल होते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और कुछ नए टॉपिक्स हमें एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने पड़ते हैं और जो रिक्वायरमेंट है सिलेबस की उसके अकॉर्डिंगली हमें इन तमाम टॉपिक्स को लर्न करना है और अप्लाई करना सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच टू एग्जामिन दिलेबस

थोड़ा सा इशूज इसलिए डिफरेंट हो जाता है कि वहाँ पर हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते थे एक तो उसका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम डिफरेंट होता था वहाँ पर एम भी आते थे ओ भी आते थे और यहाँ पर करना हमें ये होगा कि हमें जो भी टेक्निकल नॉलेज हमने अंडरस्टैंड की है लर्न की है उसको हमें बिजनेस सिचुएशन में अप्लाई करना होगा सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सीखनी होती है इस एग्ज़ाम में हाउ टू अप्लाई योर टेक्निकल नॉलेज द गिव इन सिचुएशन जो सीनैरियोज आपको दिए जाएंगे अब अगर सिलेबस पर फोकस रखा जाए तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑलबस रिक्वायरमेंट हमें दी हुई है सेक्शन ए इज एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव और एडवाइजर्स इन मीटिंग कॉन्फ्लिक्टीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड रेकग्नाइजिंग द रोल ऑफ उनका रोल हमें रिकेगनाइज करना है डिफरेंट रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनका रोल हमारे पास क्या मौजूद है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हमें ना सिर्फ डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है प्लस हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नीड असेस करनी है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है मल्टानेशनल इससे रिलेटेड जो हमें देखना है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी एड्रेस करना है एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी एवेलुएट करना है इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो टेक्निक्स हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम में सीखी थी सिमिलर टेक्निक्स हमें दोबारा यहाँ पर अप्लाई करनी है लेकिन लोकल कॉन्टेक्ट में भी अप्लाई करनी है एज वेल एज इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट के अंदर भी अप्लाई करनी है तो जब हम इंटरनेशनल एनपीवी एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हमें करेंसी के इश्यूज को भी एड्रेस करना होगा फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को हमें डोमेस्टिक करेंसीज में कन्वर्ट करना होगा एक्सचेंज रेट्स खास तौर पे पावर पैरिटी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी की अंडरस्टैंडिंग भी हमें यहाँ पर काम आएगी नेक्स्ट इज अबाउट एंड एक्विजेश दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं उसमें मर्जर एंड एक्विजिशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा और रिकंस्ट्रक्शन एंड री ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आ रही हैं सिमिलरली बिजनेस वैल्युएशन टेक्निक्स पर हम बात करेंगे अनदर थिंग इज ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट के इशूज को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल इन एडवांस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाउ टू मैनेज करंसी इशूज एंड इंटरेस्ट इशूज सो अलोंग विद दिस हमारे पास, uh, professional skills हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हैं AFM के एग्जाम में अब एफ एम के एग्जाम में हंड्रेड मार्क्स में ट्वेंटी प्रोफेशनल एग्जाम्स मार्क्स एड कर दिए गए तो डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स को हम कैसे इंकॉर्प्रेट करेंगे वो हमें अंडरस्टैंड करना है एंड एज वेल एज दम्प्लॉबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं हाउ टू एड्रेस दी एग्जाम फॉर्मेट वगैरह वो भी हमें अंडरस्टैंड करना तो टॉपिक्स हमारे वही हैं और कुछ एडवांस टॉपिक्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे पास एफ एफ एम एग्जाम में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था यहाँ पर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन रिस्क मैनेजमेंट अप्रेजल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कुछ चीज़ें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी यहाँ पर अप्लाई होंगी तो इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारे पास सेक्शन ए इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स सेक्शन सेक्शन बी डील्स डील्स विद विद इन्वेस्टमेंट सी रिकंस्ट्रक्शन एंड डील्स विद एंड एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्किल्स वी स्किल्स

एड्रेस कर सकते हैं और हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं एज फार एज द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन इसमें आपके पास रीडिंग टाइम अवेलेबल होता है और थ्री आवर्स टोटल टाइम अवेलेबल होता है एग्जाम को अटेम्प करने के लिए हमारा जो पेपर है दैट इज कम्प्राइज ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए Is worth 50 marks और एक सिंगल केस स्टडी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सेक्शन ए में वर्थ फिफ्टी मार्क्स इसमें जो कॉम्पोजिशन है उसमें फोर्टी मार्क्स आपके टेक्निकल मार्क्स है और टेन मार्क्स आपके प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स होंगे यानी कि दस नंबर आपके सेक्शन ए में प्रोफेशनल मार्क्स के असेस्ट किए जाएंगे और रिमेनिंग दस नंबर जो है वो सेक्शन बी में असिस्ट किए जाएंगे

रिपोर्ट बनानी है तो आपको रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट लेआउट वो भी यूज करना है और उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोफेशनल मार्क्स में मार्क्स मिल सकते हैं टोटल सिलेबस में हमारे पास जो एरियाज दिए हुए होंगे तो वो एरियाज हमें जो अप्लाई करने होंगे सो सेक्शन ए में कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे कौन कौन से टॉपिक्स असेस किए जा सकते हैं

वो अप्रेजल से रिलेटेड सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर आपके पास सिनेरियो जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड बन सकता है कोई भी सिनेरियो आपके पास दिया जा सकता है और उसमें मल्टीपल इश्यूज आपको एग्जाम में दिए जाएंगे सेक्शन ए क्वेश्चन विल आस कैंडिडेट्स टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

हमारे हमारे पास पास आती है इस तरह में भी the so करके exam pass नहीं किया जा सकता। रादर कैलकुलेशन को हम सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे theory part cover करने के लिए। देर विल नॉट बी एनी होली नेरेटिव क्वेश्चन कुछ ना कुछ calculations यहां पर हमारे पास कैल्कुल्वेंटी फाइव मार्क्स का जो ब्रेकअप है उसमें ट्वेंटी टेक्निकल मार्क्स होंगे और पांच प्रोफेशनल स्किल मार्क्स एक क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे सेक्शन बी क्वेश्चन विल कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स अप्रोप्रिएट टू द क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कंटेन अ मिनिमम ऑफ टू प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम एनालिसिस एंड इवेल्युएशन स्केप्टिसिज्म एंड कमर्शियल एक्यूमेंट ऑल टॉपिक्स इन सिलेबस सेक्शन विल बी एग्जामिनेबल हेयर एज वेल एज इन सेक्शन ए बट एवरी एग्जाम विल हैव क्वेश्चन ऑन सिलेबस सेक्शन डी एंड ई तो जो बी और ई e हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट ना एज फार एज इस एग्जाम में अगर आपको जाना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सिलेबस में आपने एरियाज पढ़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जितनी भी आपके पास नॉलेज है तो अब एडिशनल नॉलेज अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें जरूरत होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द टॉपिक इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमने जो एफ के सिलेबस में पढ़ा था वहाँ पर हमने उसकी थ्योरी डिस्कस की थी कि ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या होती है मॉडिलानी एंड मिलर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है यहाँ पर हम मोडिगलानी एंड मिलर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे उनके फार्मूलाज भी अंडरस्टैंड करेंगे कि फार्मूला वाइज उनका फोकस क्या होता है लॉन्ग विध जब हम यहाँ पर बात करते हैं सोर्सेज सोर्सेज ऑफ ऑफ फाइनेंस फाइनेंस की तो ऑल जो वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे इक्विटी फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग डिविडेंट पॉलिसीज वगैरह उसके साथ साथ अलॉन्ग विद हमें यहाँ पर इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्लामिक फाइनेंस की कुछ एडिशनल चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एज आई टोल्ड यू के अप्रेजल में अब हमारे पास डोमेस्टिक सिनेरियो एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सिनेरियो भी अवेलेबल होगा बिजनेस वैल्यूएशन में भी हमारे पास एडवांस बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स होंगी फ्री कैश फ्लोस पर हम बहुत ज़्यादा इंफेसाइज करेंगे इसी तरह से मर्जर एंड एक्विजिशन में हम कुछ नई चीज़ें एंड रीऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से वहां पर हमें कुछ चीज़ें बेसिक्स पढ़ा दी गई हैं जैसे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मनी मार्केट हैजिंग लेकिन कुछ चीजें हमने वहां पर थ्योरिटिकल पढ़ी थी जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वो तमाम चीजें चाहे वो करेंसी का कॉन्टेक्ट हो या इंटरेस्ट रेट का कॉन्टेक्ट हो इन डिटेल कैलकुलेशन में हमसे पूछी जाएंगी एज फार एज द रिसोर्सेज जो इस पेपर को पास करने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए तो एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ स्टडी टेक्स इज नॉट सफिशेंट आपको वाइडर कॉन्टेक्ट में फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रही हैं उसको भी कंसिडर करना है आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट के हवाले से इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से और दीगर स्टॉक मार्केट के चेंजेस के हवाले से क्या बातें की जाती हैं तो एक क्वालिटी स्टडी टेक्स मस्ट टू बी यूज सिलेबस को इन डेप्थ कवर किया जाए यू कैन यूज द ट्यूटर नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसको यूज करना है आपको टेक्निकल आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी स्पेसिफिक इशू पर अगर कोई टेक्निकल आर्टिकल अवेलेबल है तो पहली फुर्स में हमें वो टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना है उसको अंडरस्टैंड करना है पास पेपर प्रैक्टिस ताकि हम अपनी टेक्निकल नॉलेज को अप्लाई कर सकें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम सी बी प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम इन्वायरमेंट में कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है जो कि आप ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें वहां पर आपको प्रैक्टिस एग्जाम्स दिए हुए हैं ताकि आपको ये पता हो कि जिस फॉर्मेट में हमें एग्जाम देना है उस फॉर्मेट को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लास्ट डेज में आखिरी हफ्ते के अंदर दो या तीन या मॉक एग्जाम अटेम्प करके यू आर नॉट एबल टू फिमिलियर एग्जाम फॉर्मेट पास पेपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन किट हम इस्तेमाल करेंगे सो आई सजेस्ट वन स्टडी टेक्स दैट इज कैप्लान एंड अदर किट किट वन इज मोर देन इनफ सो so, वहां पर आप सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन वहां से आइडेंटिफाई करके अपनी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एफएम से हम एम में जाते हैं तो हमें कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पर पता होती हैं कि हम ए में क्या पढ़ चुके हैं जैसे एफ में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन की कुछ चीजें पढ़ी थी उसको हम एफ एम में अप्लाई करेंगे सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कुछ चीजें हैं जो कि हमने वहां पर इन्वेंट्री रिसीवेबल और पेबल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी हुई हैं यहाँ पर ए में डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कोई टॉपिक अवेलेबल नहीं है लेकिन जो नॉलेज हमने वहां पर एक्वायर की थी ओवर ड्राफ्ट से रिलेटेड करंट रेशो क्विक रेशो इन्वेंट्री रेशो वर्किंग कैपिटल साइकिल उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अप्रेजल एज आई टोल्ड यू तो कुछ नई चीजें जैसे यहाँ पर हम एक नई टेक्निक पढ़ेंगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच से हम कुछ रियल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम दूसरी टेक्निक अप्लाई करेंगे अगर कर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होंगे तो मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग को कैसे यूज किया जा सकता है एंड सिमिलरली बिजनेस वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से मैंने बताया कि जितनी भी टेक्निक्स नई हैं हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये हमेशा रेलेवेंट होगा लेकिन मॉडिकलानी एंड मिलर विद टेक्स थ्यूरी के नोमरिकल्स और फॉर्मुलाज को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंट सिचुएशन में मर्जर इन एक्विजिशन में डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी रिस्क मैनेजमेंट में एज आई टोल्ड यू के हमें बेसिक रिस्क मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर एक्वायर की उसको एडवांस रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पर हमने स्वैप्स को जस्ट uh, एक डेफिनेशन वाइज डिस्कस किया था करेंसी ऑप्शंस को करेंसी फ्यूचर्स को लेकिन यहाँ पर आपको फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वाब्स की एक अच्छी लेनी है और अगर सेक्शन बी में एक ट्वेंटी फाइव मार्क्स का रिस्क मैनेजमेंट का तो इट माइट बी रिलेटेड टू करेंसी इट कंटेन्स मल्टीपल ऑप्शन लाइक फ्यूचर्स भी हो सकते हैं ऑप्शन भी हो सकते हैं स्वैप्स भी दिए जा सकते हैं जो हमें हैंडल कर रहे सो ओवरऑल एडवास फाइनेशियल मैनेजमेंट पेपर पास करने के लिए आपके पास सारी टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज दी अपलिकेशन स्किल्स और जितनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने एक्वायर की है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उस तमाम नॉलेज को हमें कैपिटलाइज करना है और कैपिटलाइज करके यहाँ पर एडिशनल नॉलेज के साथ एप्लीकेशन उसकी सीखनी है किस तरह से हम एप्लीकेशन पर काम करेंगे अब हम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने के लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं किस तरह सेक्शन ए और बी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल होगी यू कैन सी हियर सेक्शन ए वन क्वेश्चन सेक्शन बी टू क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेक्शन ए ना अब हमारे पास जो ओवरऑल पेपर हमें दिया हुआ है उसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास चार एग्जिबिट्स थी हमें जिसके अंदर हमारे पास तमाम सीनारी की इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ हमारे पास एक फिफ्टी मार्क्स की रिक्वायरमेंट है अगर हम इस रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं तो देर आर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डिस्कस द फिजिबिलिटी एंड अफेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजीज ऑफ सेलिंग ऑफ इंडिविजुअल सेंटर्स एंड सेंटर डायरेक्टर्स ए फ्लैट थ्यूरी का सवाल है सेवन मार्क्स का और अगले पार्ट में हमारे पास एक रिपोर्ट हमें बनानी है और उस रिपोर्ट के अंदर हमें एरियाज जो कवर करने हैं पहला पार्ट हमें कंपनीज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट करनी है फोर मार्क्स के लिए अदर पार्ट में दोबारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट करनी है पोस्ट कॉस्ट ऑफ डेट थर्ड पार्ट में एस्टिमेट करना है रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो एंड मार्क्स पर एस्टिमेशन का सवाल दिया हुआ है और लास्ट जो इसके अंदर पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर हमें डिस्कशन करनी है नाइन मार्क्स के लिए जो हमने अब कैलकुलेशन की है और सी पार्ट में फर्दर थ्योरी का एक सवाल दिया हुआ है तो टोटल रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ डीज मार्क्स

इसको हम देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है देन एग्जिबिट टू में हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से एग्जिबिट्स की फॉर्म में दी जाएगी और आपको इसको अंडरस्टैंड करना है इसको हाईलाइट करना है और जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप ये चाहते हैं कि हम की इंफॉर्मेशन को आइसोलेट कर लें तो यहाँ पर स्क्रैच पैड को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसका जो रेलिवेंट हमें एग्जिबिट चाहिए वो एग्जिबिट यहाँ पर हम ओपन करके उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर जो जनरेट करेंगे अब आपको तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्वियस सी बात है अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आपको वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करना है रिपोर्ट भी इसी फॉर्मेट के अंदर बनेगी रिपोर्ट का जो भी फॉर्मेट होगा जो भी लेआउट होगा वो यहाँ पर हम लेआउट बनाएंगे लेआउट के बाद उसमें इंट्रोडक्शन हमारे पास होगा उस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है फिर उसका कंक्लूजन होगा वो इस तरह से देने के बाद हम इसको यूटिलाइज करेंगे अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है बहुत डिटेल कैलकुलेशन है तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट यूज़ करके उसको एज एन अपेंडिक्स इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट के अंदर उसका रेफरेंस दे सकते हैं लेकिन अगर कोई माइनर कैलकुलेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो आप वर्ड प्रोसेसर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन मेजर कैलकुलेशन के लिए हमें एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल करना है जैसे एनपीवी प्रोफाइल अगर हमें बनानी है तो एन प्रोफाइल के लिए हमें एक्सेल इस्तेमाल करना है सो so, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपकी टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए रीजनेबल टाइपिंग स्पीड अगर आपकी होगी तो आप एग्जाम को टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं और कैलकुलेशन स्किल्स इस्तेमाल करनी है कहाँ पर हमें शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने हैं एनपीवी टेक्निक्स के लिए तो बेसिक जो भी एक्सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मूविंग अलोंग जब हम सेक्शन बी पे जम करते हैं तो सेक्शन बी में क्योंकि हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव मार्क्स के तो यहां पर भी हमें उसी पैटर्न पे तीन एग्जिबिट्स दिए हैं सवाल के रिक्वायरमेंट पर अगर हम जम्प करते हैं तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें ए पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को भी पार्ट में हमें डिस्कशन करनी है और यहाँ पर फाइव मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं कैलकुलेशन प्लस थ्योरी और सिमिलरली अब आपको चूज करना है कि आपको रिस्पॉन्स वर्ड प्रोसेसर में देना है या आपको स्प्रेडशीट में देना है दोनों को इस्तेमाल करना है ये आपकी चॉइस है नेक्स्ट पार्ट में अगर हम मूव करते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास अगेन दो एग्जिबिट्स दिए हुए हैं रिक्वायरमेंट हमें दी हुई है रिक्वायरमेंट में हमारे पास uh, एक्सप्लेन हमें करना है थ्योरी का सवाल है और साथ हमें रेकमेंड करना है सूटेबल हैजिंग स्ट्रेटेजी तो यहाँ पर हमें रेलिवेंट कैलकुलेशन भी करनी है डिस्कशन भी करनी है फोर्टीन मार्क्स के लिए और सेम वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर नेविगेटर को इस्तेमाल करके आप कुछ अगर पार्ट क्वेश्चन पे जम्प करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस नेविगेटर फीचर और जो दूसरे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं यू कैन यूज कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन वैन नीडेड स्क्रैच पैड हाईलाइट सिम्बल्स वगैरह करेंसी के सिम्बल्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं सो ओवरऑल द थिंग इज दैट के हमें इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि एग्जाम में हमें यह आइडिया हो के किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस की जाती है और यहाँ पर आपके पास जो पास पेपर्स अवेलेबल हैं अगर उसके ऊपर हम एक नज़र डालें तो आप अपने सी के माय सी पे लॉगिन होके एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाएंगे यहां पर आपको ए ए ऑफिशियल रिसोर्स में पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं तो आपको यहां पर कुछ पेपर्स इस नए सिलेबस के फॉर्मेट के हिसाब से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव आपको यहां एग्जाम अवेलेबल हैं इसी तरह से लास्ट सेप्टेम्बर का भी जो एग्ज़ाम गुजरा है उसके लिए आपके पास तीन प्रैक्टिस एग्जाम और एक स्पेसिमेन दिया हुआ चार एग्जाम पर अवेलेबल तो है तो टोटल नाइन पेपर टोटल अवेलेबल इज वेरी गुड स्टफ इसको रेगुलर प्रैक्टिस करके हम अपनी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के जो प्लेटफॉर्म है उसको अंडरस्टैंड बहुत आराम से कर सकते हैं अलॉन्ग विद आपको ब्लैंक वर्क स्पेस दिए हुए अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं थ्योरी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक वर्क स्पेस भी अवेलेबल है नाउ कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं

इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो टेक्निक्स है इन्फ्लेशन कॉस्ट टैक्स के इश्यूज वर्किंग कैपिटल के इश्यूज वो सारे टेक्निक्स हमें अच्छी तरह से हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उसको इस पेपर में इजीली अप्लाई कर सकें